एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सपना मेहर। आई एम मेकिंग व्लॉग बिकॉज आई वॉन्ट टू नो यू पीपल एवरीथिंग अबाउट मी ऑन डेली बेसिस। सो द रीजन वाई आई स्टार्टेड दिस व्लॉग बिकॉज दिस व्लॉग इज रिगार्डिंग नो शुगर व्लॉग फॉर वन वीक। आई एम कंटिन्यूइंग फॉर वन मंथ। मैं वन मंथ तक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ शुगर को बिल्कुल कट आउट करके। तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मंडे है। दो दिन मैंने ट्रायल ली है तो चाय मैंने पूरी की पूरी बंद कर दी है, कॉफ़ी मैंने दूध वाली पूरी की पूरी बंद कर दी है एंड उसमें मुझे वो जो शुगर फ्री आता है ना वो भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। सो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। सो दिस इज द कॉफ़ी जो ब्लैक कॉफ़ी है। सो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दी है। मुझे कॉफ़ी अकेले पीना अच्छा लगता है ताकि मेरे कॉफ़ी मेरे माइंड में हिट हो एंड आई कैन वर्क एंड आई कैन फंक्शन एंड साइमल्टेनियसली 10 बजे जो मेरा योगा सेशन चालू होता है वो तो है ही। तो कॉफ़ी पी के थोड़ा बहुत काम करके देन आई विल कंटिन्यू विथ योगा। सो बी विथ मी ऑन दिस वीक। लेट्स सी मैं कर पाती हूँ कि नहीं पूरा का पूरा। एंड अभी ना मैंने वो मसूर की दाल आती है ना ऑरेंज कलर की, जिसका नाम मुझे अभी पता चला है, जिसको मसूर बोलते हैं, मुझे ऑरेंज दाल ही उसको आता है बोलना, तो उसको मैंने भिगो के रखा है। एक रेसिपी देखी थी मैंने चीला बनाने की उसमें से, तो लेट्स सी आई कैन मेक इट और नॉट बिकॉज 99% क्या होता है कोई भी चीला बनाती हूँ ना तो फिर उसको मैं पलट नहीं पाती हूँ। सो इस बार देखते हैं। A few moments later. A few moments later. Moments later. The next day. Hello everyone. ये कौन सा दिन है आई डोंट नो, लेकिन मैं जूडियो गई थी तो वो मुझे दिखाने का बाकी रह गया था। सो बहुत सारी चीजें तो नहीं लाई हूँ लेकिन जितनी लाई हूँ इतने में दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो मुझे जूडियो में एंटर होने के बाद दिखी वो थी दिस। This is a shirt. This is oversized shirt because summer है, लेकिन इस पे प्रिंट देख रहे हो इतनी मस्त प्रिंट पहनी हुई है ना, और इसका कलर भी ना एकदम ब्लश पिंक काइंड ऑफ कलर है, व्हाइट एंड ब्लश पिंक एंड ब्लैक। लेकिन ये जो प्रिंट है ना जो बॉक्स में बनी हुई है ये बहुत ही कूल लगी, पहन के मैंने देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। सो आई पिक्ड अप दिस वन एंड सेकेंडली मुझे वो 299 या 239 वाली जो रैक रखी होती है ना टी शर्ट्स की, वहाँ से मैंने एक टी शर्ट ली। तो एक्चुअली मुझे पहले ये लगा था कि दिस इज द टी शर्ट, दिस इज ऑल्सो ओवर साइज और इसके पीछे लिखा है ड्रीम सिटी। सो दिस इज द टी शर्ट, एल साइज में है ये शर्ट भी, शायद एल में ही है बिकॉज आई लव टू वेयर ओवर साइज, हाँ एल में ही है दोनों। सो दिस इज ऑल्सो एंड ये मस्त ब्राइट पिंक कलर है, समर में अच्छा लगता है ऐसे सब कलर पहनना। एंड थर्ड लास्ट बट फेवरेट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस विच इज अ ड्रेस। ओके तो तीन ही चीज ली है मैंने, लेकिन दिस ड्रेस इज परफेक्टली फिटेड टू मी एंड
ये इतना एलिगेंट दिखता है ना पहनने के बाद कि काश मुझे कोई डिनर डेट पे लेके जाए या कहीं आउटडोर पे घुमाने को लेके जाए। दिस इज द ड्रेस। सो ये जो ड्रेस है ना, ये पूरा एकदम परफेक्टली, ये कुछ भी विजिबल नहीं होता है एंड परफेक्टली फिट होता है। यहाँ पीछे ना ऐसा मटेरियल है, ये वाला स्ट्रेचेबल वाला, तो आपको चेस्ट एरिया में कोई इश्यू नहीं आएगा। मैंने एल साइज लिया है अगेन, बिकॉज मुझे नहीं, मेरा लोअर साइज थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए था। एंड छोटा सा नीचे ना स्लेट दिया है, इट अगेन ब्लैक कलर, और इसमें जो फ्लावरी प्रिंट है ना, तो ये समर में एक्चुअल में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बैग डालो, ये ड्रेस पहनो, चप्पल पहनो एंड देन गो टू द बीच, राइट? सो दिस इज द ड्रेस। और आजकल पता नहीं मुझे ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के, क्योंकि कुछ उसमें करना नहीं होता, बस ड्रेस डालो, चप्पल पहनो एंड गो, गुड टू गो। एंड गाइज, अब जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ वो एक्चुअली मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, लेकिन ये भी एक ड्रेस है जिसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि चलो आज दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो मैं दिखा देती हूँ। सो ये ड्रेस है, ये मैंने पहन के ट्राई किया हुआ था। तो दिस इज द ड्रेस। ये लंबा नहीं है, ये थोड़ा छोटा है, इसमें भी स्लिट है, सी ओवर हियर लॉन्ग स्लिट। दिस इज अ स्वीटहार्ट नेक, यहाँ से स्वीटहार्ट नेक एंड देर इज अ डोरी, दिस डोरी यू हैव टू टाई ओवर हियर ऑन योर शोल्डर, बोथ साइड देर इज अ डोरी। सॉरी ये नॉइज का, घर थोड़ा रोड साइड पे है। एंड देर इज अ चेन पीछे, तो ये मेरा साइज भी, ये शायद एल ही मंगाया था मैंने। येस, दिस इज इन एल, और इसमें ना ऐसा कुछ स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ थिंग नहीं है, तो आपकी जो परफेक्ट साइज है वही ऑर्डर करना। और हाँ, ये मुझे एकदम परफेक्टली फिट हो गया था, आप मेरा शॉर्ट्स चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, मैंने डाला है। सो मैं मेरी बहन के साथ गई थी लॉ गार्डन जो अहमदाबाद में है, तो हमारी ना बचपन से यादें जुड़ी हुई है लॉ गार्डन से, बिकॉज हम पहले से, जब मैं कॉलेज में थी तब भी वहीं से शॉपिंग करते थे, बिकॉज इट्स अ स्ट्रीट मार्केट एंड वो बजट के अंदर भी होता है, क्योंकि तब इतना खर्चा नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जंक ज्वेलरी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे रेट में मिलती है। तो ऐसे ही मुझे, मेरी बहन को जाना था तो मैं गई, लेकिन मुझे एक चीज़ मिल गई जो है दिस। दिस इज़ अगेन अ कुर्ती, कॉटन मटेरियल है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मटेरियल है, और एक ही भैया थे जो ये सब लेके बैठे थे, बाकी ये डिज़ाइन किसी के पास नहीं थे पूरे मार्केट में। एंड यू नो कितने में मिली मुझे ये, ओनली 400 रुपीज़। तो इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, और अगेन मैंने ये ओवर साइज ही लिया है, आप देख सकते हो ये एक्सेल है जबकि मेरा साइज एल है, बट आई लाइक टू वेयर यू नो ओवर साइज इन कुर्ताज। सो ये है, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब देता है आई नो, बट पहनने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, और एक बार धुलने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। इस पे ऐसा ना कच्छी वर्क किया हुआ है, देखो कैन यू सी मिरर वर्क विथ कच्छी वाइब देता है मुझे थोड़ा, ये प्रिंट भी थोड़ा वैसा वाइब देता है, ये अजरक वाला जो प्रिंट अभी निकला है शायद वही है। इसके नीचे भी एक ऐसी पट्टी है जो स्लीव में भी जाती है, सेम। सो दिस इज ऑल्सो गुड, यहाँ कहीं पे भी यू नो फैमिली के साथ मंदिर वंदिर गए तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पहनने के बाद। सो या दैट्स इट, दिस इज माई स्मॉल समर हॉल काइंड ऑफ थिंग जो अलग अलग जगह से था। आई होप यू पीपल लाइक, और कुछ भी लाइक की आता है तो प्लीज़ कमेंट में डाउन। जूडियो का तो जो लड़कियाँ जाती होगी उनको पता ही है, जूडियो इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि क्योंकि अपने बजट में। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, जूडियो में जाते हैं ना तो गूगल पे से पेमेंट नहीं होता, वाई? अगर जूडियो वालों प्लीज़ ये ब्लॉग देख रहे हो तो गूगल पे का पेमेंट कुछ करो, बिकॉज कार्ड हर किसी के पास नहीं रहता है एट अ टाइम, एंड कैश भी अगर ज़्यादा शॉपिंग हो गई तो नहीं होता है हर किसी के पास, लेकिन गूगल पे इज़ नाउ एवरीवेयर, इट इज़ अ डिजिटल।
राइट। The next day. Hello, good morning everyone. So ये मैंने बनाया है, this is my breakfast today. कॉफी मैंने पी थोड़ी, मेरे बाल देखो looking so weird. तो ये मेरा breakfast है, ये रात को मैंने chia seeds भिगो दिए थे थोड़े milk में, उसमें मैंने ये वाला syrup add किया था, this is date syrup. तो शुगर होता है इसमें लेकिन डेट्स का होता है, तो मतलब नेचुरल शुगर होता है, ये एडेड शुगर नहीं है. दो मेरा शुगर बंद है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे थोड़ा सा ले लेती हूँ, बिकॉज थोड़ा तो लेना चाहिए बॉडी में. देन आई एडेड एप्पल्स, सम किशमिश एंड टॉपिंग विथ बनाना. दिस इज द लुक, दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड यू नो पहले मैंने खाया हुआ है तो आई नो कि टेस्ट कैसा होता है. एंड आई लाइक द टेस्ट ऑफ चिया सीड्स, क्योंकि नो आप अगर ऐसे ही चिया सीड्स को मिल्क में डाल के छोड़ देते हो ना, फ्रिज में रखना पड़ता है ओवरनाइट, तो आप ऐसे छोड़ देते हो ना तो फिर ये इसके गट्ठे बन जाते हैं, इतना स्मूद नहीं होता. कैन यू सी,